दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दुर्गा इलेक्ट्रॉनिक लैब पर। आज हम ये देखेंगे इंटेक्स के चार्जर हैं, इन्हें किस प्रकार रिपेयर किया जाता है और इनमें ज़्यादातर क्या क्या दिक्कत आती है वो देखेंगे। सबसे पहले तो इसे आसानी से खोल लेंगे, आप किसी भी ओपनर से ये आसानी से निकल जाता है इस साइड से। और तो देखो जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, ये कंडेंसर इसमें खोले हुए हैं यानी कि ख़राब। और इन्हीं के साथ में ये फ्यूज रेजिस्टेंस होती है, ये हमें फूकी भी मिलेगी जाकर। सबसे पहले तो हम इन्हें निकाल लेंगे। इन्हें निकालने के बाद में हम इसकी शॉर्टिंग वगैरह चेक करेंगे, कुछ और पार्ट्स तो शॉर्ट नहीं है। निकाल लिए। सबसे पहले तो हम जो इसका ये ब्रिज इलेक्ट्रीफायर है इसे चेक करेंगे, इसमें तो कोई शॉर्टिंग नहीं है, इसमें हमें कोई शॉर्टिंग नहीं दिखाई दे रही। और इसी के दूसरी साइड में जहाँ कंडेंसर लगे हुए थे वहाँ एक साइड में तो हमें रीडिंग मिलेगी लगभग 500 के आसपास। ये एक साइड में रीडिंग मिलेगी और एक साइड में नहीं मिलेगी, एक साइड में हमारे 500 आ रहे हैं लगभग और एक साइड में कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये आगे का सर्किट हमारा सही है। हम सबसे पहले इन दोनों आइटमों को डालेंगे। ये दो कंडेंसर लेंगे हम 10 UF 400 वोल्ट के और इन्हें लगा लेंगे। ध्यान रखें इन्हें लगाते समय जो है नेगेटिव साइड जो नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव साइड पॉजिटिव की तरफ लगाएं, नहीं तो ये ब्लास्ट हो जाएगा इसमें। और जब चार्जर को रिपेयर करें हमेशा सीरीज में चेक करें, उसमें शॉर्ट सर्किट की दिक्कत नहीं आती है। ये देखो ये हमारे कंडेंसर लग गए हैं। ओके अब हम इसकी एक बार फिर शॉर्टिंग चेक कर लेंगे, इसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। अब इसमें हम ये 10 ohms के रेजिस्टेंस लेंगे जो फ्यूज का काम करेगी और इसे सोल्ड कर लेंगे। ज़्यादातर मोबाइल चार्जरों में यही दिक्कत आती है और इसे आप आसानी से सही कर सकते हैं। ये हमारा हो गया, अब हम इसे टेस्ट करते हैं। टेस्ट के लिए हमें ये इसमें लगाना पड़ेगा और ये हमारा USB टेस्टर है। ये हमारा सीरीज बोर्ड है और ये हमने इसमें लगाया। ये हमारा ओके हो गया चार्जर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।